हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। मैं आपको आज 8th क्लास के मैथ के बीजगणित के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है 8th क्लास के, और कई नंबर का पूछा जाता है। और ये मेरी जो क्लास है स्पेशल 8th क्लास के लिए है और यूपी बोर्ड की क्लास के लिए है, तो ध्यान से पढ़नी है सबको। तो देखो, अभी हम पहले सबसे पहले टॉपिक जो है उस टॉपिक वाइज चलेंगे, और सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे इसमें कि कौन सी चीज़ कैसे है। तो आप सब जानते हो कि बीजगणित में दो चीज सबसे मोस्ट होती है, वो दोनों क्या है। नंबर एक पर आता है चर पद, कौन सा आता है चर पद, और नंबर सेकंड आता है अचर पद। कौन सा आता है अचर पद। दोनों ही बहुत बहुत मोस्ट है और दोनों का पता होना हमारे अति आवश्यक है। चर पद कौन से होते हैं पहले हम चर पद के बारे में जानेंगे, और अचर पद कौन से होते हैं। तो चर पद होते हैं ए बी सी एंड जेड तक जितने भी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट है वो सब, या किसी का नाम, या किसी का नाम, वो क्या होता है, वो होता है हमारा चर पद। अब बात करेंगे अचर पद। अचर पद क्या होता है, एक दो तीन चार और इनफाइनाइट अनंत तक जितनी भी गिनती होती है वो सब किसमें आती है, अचर पद। अब यहां तक बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, ये सब जानते हैं। अब 8th क्लास में आ गए हो आपको यहाँ तक पता होगा, पर अब इससे आगाही वाली बात समझे। जो चर पद होते हैं हमारे वो सजातीय होंगे तो जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे। विजातीय होंगे ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। अब आप कहोगे सजातीय और विजातीय क्या होते हैं, ये दो नए नाम फिर मिल गए, तो मैं बताता हूँ सजातीय क्या होते हैं, विजातीय क्या होते हैं। सजातीय वो होते हैं जो एक जैसे होते हैं, एक जैसे ए ए, जिनकी सकल एक जैसी हो बी बी सी सी, ये सजातीय। अब विजातीय कौन से होते हैं, ए डी ए बी ए डी ए सी जेड सी एक्स वाई, ये सब कौन से हैं विजातीय। तो सजातीय विजातीय भी समझ गए। अब हम इसके बाद में जो आगे समझेंगे, आगे क्या है, देखो अभी यहां तक कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है, मैंने बता दिया। देखो अब 8th क्लास में आ गए हो तो आप जोड़ तो आते ही होंगे करने, इनके जोड़ क्या होते हैं, इनके घटाई करने आते होंगे। चर और अचर पद के जोड़ कैसे होते हैं, घटाई कैसे होते हैं, गुणा कैसा होता है, भाग कैसा होता है, यह आप सब पर आता होगा। अभी नहीं आता तो एक बार क्यों होता है, मैं जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, तो एक बार मैं भी बता देता हूं की तरफ से। देखो बीजगणित के जोड़, सबसे पहले मैं बीजगणित के जोड़ को लेके चलता हूं। देखो बीजगणित के जोड़ में क्या होता है, जो सजातीय है जो एक जैसे दिखेंगे उन्हें जोड़ देंगे। देखो अब सपोज करो मैंने यहां लिख दिया ए और यहां भी लिख दिया मैंने ए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, हम कोई बड़ी बात नहीं, ए और ए 2a। अब तुम कहो ये दो कैसे लिख दिया, चलो a तो कर दिया हमने, दो कैसे। देखो जो भी हमारा चर पद होता है, अगर चर पद से पहले कोई भी अचर पद नहीं है कहीं पर भी, वहां हमेशा एक होता है जोड़ और घटाई में, तो एक और एक दो। अब हम ऐसी बात करेंगे कोई अगली संख्या अपनी, मान लो 9a प्लस 3b प्लस 4a प्लस 6b। देखो सजातीय हैं दोनों तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जो विजातीय हैं वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। सजातीय 9 और 4 है तो 9 और 4 13 ए, और विजातीय कौन 6 और 3 9 बी। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब जो ये पार्ट में पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही छोटा पार्ट है, और ये आपने 6-7 में जरूर पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। अब हम सेकंड जो टॉपिक लेके चलेंगे वो चलेंगे बीजगणित के घटाई। बीजगणित के घटाई कैसे होते हैं, बीजगणित के घटाई भी सिंपल है, सजातीय ही घटेंगे और सजातीय ही
जुड़ते हैं, सजातीय ना तो विजातीय घटते हैं ना विजातीय जुड़ते हैं। तो देखो 9a-3b अपनी तरफ से कोई भी सवाल बना लो, 2a+3b तो यही तक रहने। ये 3b तो माइनस के 3b एट इज उतार दो, क्योंकि इसका कोई भी सजातीय या विजातीय नहीं बनेगा। इसे देख लो 9 से 2 गए तो 3 बने, कोई दिक्कत, सिंपल बात है। थोड़ा थोड़ा समझा के चल रहा हूँ जिससे कि अगर किसी के समझ से बाहर हो तो समझ ले। अब उसके तुरंत बाद थर्ड टॉपिक है हमारा बीजगणित के गुणा। बीजगणित का गुणा कैसे करते हैं, a+b (2). देखो ये बहुत छोटी बात है कि गुणा में सजातीय नहीं देखते ना विजातीय देखते हैं। हमें गुणा का मतलब होता है कि सब में गुणा करनी, जैसे 5+2(3), तो 5 और 2 (7)3 7 × 21 तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही सेम यहाँ है, मैंने ये बताया है कि ये जो होते हैं गुणा में सजातीय और विजातीय नहीं देखते, पर ये मत करना कि सजातीय विजातीय नहीं जोड़ते देखते तो ए और बी कर देना, ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये अंदर वाली जो चीज है हमारी ये गुणा में नहीं है, ये किसमें है जोड़ में, और जोड़ में हम कभी करते ही नहीं है। 2 की गुणा a में करो तो 2a+2b आंसर आ गया इसका। अब सपोज करो कहीं ऐसा दे दे a+b (a+b) या a+b की जगह और लिख लो c+a लिख, हमेशा पीछे वाले से गुणा करो पहली बात तो c से कर लो a+b, c पूरे को भाग करें, भाई हम लिखते थे 3, 5, 6 × 12 तो ये पहले पूरे में गुणा करती थी जब यहाँ आता था, इससे पूरे में गुणा करते थे तो वो यहाँ आता था जब दोनों को ऐड करते। ऐसे यहाँ करेंगे, इस पूरे से इसमें करेंगे, फिर ऐड करके साल लगाएंगे, a लिखेंगे उस पूरे में फिर कर देंगे। देखो a की c में करी ca, cb, a² (ab). देखो हमेशा याद रखना जब भी किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करें हम तो वो संख्या एक जैसी हो, और उनके ऊपर पहले कोई भी घात ना हो, हम कितनी घात मान लेते हैं तो a और a की पावर 2, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ऐसे ही एट इज यहां तो मैंने a और a a × a हो सकता है, तो इन दोनों a घात है तो a² + ca + ab + c ये इसका आंसर हो गया। तो गुणा भी बहुत सिंपल था, गुणा में कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके बाद में बात करूंगा बीजगणित के भाग। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है इसका भाग, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सोचने वालों के लिए डिफिकल्ट है, ना सोचने वालों के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ से हमें सोचना है भाग करना कैसे है। देखो कोई भी एक संख्या ले लो, सपोज करो मैंने लिख दिया a+b/a, अब आप सोचोगे भाग दे तो दे कैसे, ऐसे ऐसे तो सोचोगे। देखो भाग ऐसे दे लो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपने तरीका से दे लो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे देखो, ऐसे भी देके दिखाऊंगा, पहले मैं सादा सिंपल दिखा दूंगा। अभी हम पहले 4th, 5th, 3rd इन क्लासों में पढ़ते थे भिन्न फ्रैक्शन। देखो वो कैसे होते थे, हमने कोई संख्या लिख दी 3/2 + 1/2, तो हम क्या करते थे नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेते थे और एलसीएम आ जाता था 2, हम 2 को नीचे लिख देते थे, ऊपर वालियों को जोड़ देते थे। तो देखो सेम इस तरह का, और इसमें कुछ अंतर नहीं है, सेम बनना है। तो अब इसको हम खोलेंगे a/a + b/a, इससे ये कट गया 1+b/a, ये आंसर एक तरीका तो ये। अब देखो मैं भी बता रहा था आपको जस्ट कि इस तरीके से, देखो इस तरीके से कैसे करेंगे इसका, वैसे जो मैंने ये तरीका बताया सबसे बेस्ट है, पर बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अरे इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। a बन जा a, यहाँ बचा 0 ना जाने का, प्लस मैंने उतार लिया तो एट इज b, क्या उतार लिया b। अब तो a की b में तो जाएगी नहीं, तो
हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी बट्टे ए, ए से ए कट गया, यहाँ बच गया बी, ये कैंसिल आउट। देखो जो यहाँ आया वो यहाँ आया, ऐसे भी भाग जा सकता है और ऐसे भी भाग जा सकता है। अभी ये कुछ बच्चों का डाउट साफ उठ रहा होगा कि ए बट्टे बी, बी बट्टे ए कैसे कट दिया। तो देखो यहाँ से मैं ए की वन में गुणा करूंगा इन दोनों की आपस में, तो ए आया। अब ऐसी एटिज इसकी और इसकी गुणा करो, ए इंटू बी बट्टे ए, तो ए से ए खत्म, क्या बचा बी, और बी में से बी गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके बाद में अभी मेरे यहां तक क्लियर होने के बाद में अभी मैं एक और सवाल लेता हूं कोई, जैसे 9a की पावर 3 प्लस 18b स्क्वायर माइनस 9a, ठीक है। अभी मैं सपोज करो मैं 3a भी लिख दूं, क्या लिख दूं 3ab, तो मैं क्या करूंगा, अभी फिर डाउट होगा कि किस तरीके से कर लूं। कर लो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत कहां आएगी, अब जब हम इस विधि को अपनाएंगे तो हमें लगेगा टाइम, और हमें टाइम बचाना है। देखो अगर वो जब किताब में सवाल होंगे आपके में, तो वह बोलेगा कि भाग विधि करके दिखाएं, जब भाग विधि करके दिखाना है तो ये वाला फंक्शन है, और वो डायरेक्टली पूछ रहा हो कि भाग दे के बताएं। देखो कैसे करते हैं, 9a की पावर 3 बट्टे 3ab, जो ये इसका जो बेस है, जो हर है, वो तीनों के लिए अप्लाई करेगा। तो यहाँ से आप मैं प्लस लगाऊंगा, 18b स्क्वायर बट्टे 3ab हो जाएगा, और 9a बट्टे 3ab हो जाएगा। देखो अभी जो कट रहे हो ना काट दो, 3 तिया 9, 3 छिंग 18 है, और 3 तिया 9। देखो ए के से ए के कैंसिल, बी से एक बी कैंसिल, और ए से ए के कैंसिल। तो देखो यहाँ से बचेगा हमारा 3a, 3a स्क्वायर, यहां से बचेगा हमारा 18 3 छिंग 18 6 बी बट्टे ए, और यहां से बचेगा हमारा माइनस का चिन्ह, सॉरी 3 बट्टे ये इसका आंसर। तो यहां तक आपको ये सब चीज बेस था इसका, पहले मैंने बेस समझाया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद में अगली क्लास आपकी नेक्स्ट दिन होगी। थैंक्स ऑल स्टूडेंट, एंड आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।